कुर्बान अपना घर किया और सर कटा लिया, दोनों जहां की मंजिलों को तुमने पा लिया। जन्नत के नौजवानों के सरदार बन गए, तुमने हुसैन दीने पयंबर बचा लिया। बेशक यही बात है, जन्नत के नौजवानों के सरदार बन गए, तुमने हुसैन दीने पयंबर बचा लिया। लेकिन एक शेर और याद आया है कि हुसैन जो इस्लाम पे कुर्बान न होता तो दुनिया में आज कोई मुसलमान न होता। इसलिए कहना है, सरे अकदस चलाने से पे जब सिबते पयंबर का, सरे अकदस चलाने से पे जब सिबते पयंबर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का। सरे अकदस चलाने पे पे जब सिबते पयंबर का, सरे अकदस चलाने से पे जब सिबते पयंबर का, सरे अकदस चलाने से पे जब सिबते पयंबर का, फरिश्तों में हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों में मातम जनाबे इब्ने हैदर का, फरिश्तों ने हुआ मातम जनाबे इब्ने हैदर का। दस जो कोई देखता था होश खोता था, जिमी थर्रा रही थी आसमां उस वक्त रोता था, जो अहले बैत थे वो आज इस हालत में जाते थे, बंधे थे हाथ जंजीरों से और आंसू बहाते थे, जमीने करबला में छोड़कर अपने शहीदों को लिए जाती थी अपने साथ ज़ैनब गम रशीदों को, पिसर इब्ने अली के हजरते सज्जाद जाते थे, बंधे वो हाथ जंजीरों से फूटी को दिखाते थे, नबी वो जिसने आजादी अता की दुनिया वालों को, बनाया है कैदी आज उनके नौनिहालों को, किया था कैद चादर और जेवर छीन कर जिनको, नहीं देखा था ना महरम ने हरगिज एक नजर जिनको, वो नंगे सर थी ऊंटों पर बंधे थे हाथ उन सबके, ढके थे सर के बालों से सभी खातीन के चेहरे, उमर साद और अफसर सब नहीं फूले समाते थे, वो मजलूमों की आहें सुन के हंसते खिलखिलाते थे, शिमर खूली को हसरत थी बड़ा इनाम पाने की, मगर लश्कर ने की दरख्वास्त कुछ आराम पाने की, करीबे कूफा लश्कर रुक गया ठहरे सभी अफसर, लगाए खेमे एक मैदान में उनमें बिछे बिस्तर, तरसते थे सभी कैदी वहाँ एक शाम आने को, तरसते थे
बिछौना खाक मिट्टी था मोहम्मद के घराने को, बिछौना खाक मिट्टी था मोहम्मद के घराने को, बिछौना खाक मिट्टी था मोहम्मद के घराने को। कूफा के करीब पहुंचकर ये लश्कर एक जगह ठहरता है और मोहम्मद के घराने वाले को आज बिछौना खाक मिट्टी का नसीब हुआ। हुसैन इब्ने अली का सर एक खेमे के बाहर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ एक मोमिना औरत ज़ईफ़ा आती हैं और वो क्या करती हैं, समाप्त कीजिएगा। हुसैन इब्ने अली का सर रखा था एक खेमे पर, ज़मीन पर रख दिया था ज़ालिमों ने खेमे से बाहर। ज़ईफ़ा एक आई घूमती मैदान के अंदर, सरे अक़दस को देखा तो गिरी फौरन वो गश खा कर। लिया फिर गोद में सर को, दिया पेशानी को बोसा, जो सर लाया था खूली बेखबर खेमे में सोता था। ज़ईफ़ा प्यार करती सर को, रोती और गश खाती, वो कहती मेरा बस चलता तो जान दे कर बचा लाती। तभी एक शख्स आया और हटाया उस ज़ईफ़ा को, रही मैदान में क्या जुस्तजू थी उस अफीफा को। अचानक रोने की आवाज सुनकर वो इधर आई, जिधर बेचैन थी कैदी बनी शब्बर की माँ जाई। वो बुढ़िया पास पहुंची रोई ज़ैनब से गले मिलकर, कहा हसनैन की तुम कौन हो ऐ बेकसो मुज़्तर, तुम्हारे चेहरे पे है नूर आका के घराने का। मुझे याद आ रहा है दौर एक गुजरे जमाने का, मैं बीबी फातिमा के घर में थी जब खादिमा उनकी, तो उनकी गोद में थी एक बेटी रश्के में उनकी। उसी की शक्ल से बेटी तुम्हारी शक्ल मिलती है, खिलाया करती थी मैं गोद में वो याद आती है। उसी के भाई का सर जब ने सेप देखा है, उसी के भाई का सर आज जब ने सेप देखा है, उसी के भाई का सर आज जब ने सेप देखा है। जिगर टुकड़े हुआ है रंग जो गम से दिल शकस्ता है, जिगर टुकड़े हुआ है रंग जो गम से दिल शकस्ता है, जिगर टुकड़े हुआ है। आपके सरे मुबारक को देखकर आपकी पेशानी का बोसा लेती है, अचानक रोने की आवाज़ सुनकर वो उधर गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। देखा कि हज़रत ज़ैनब रो रही हैं,
वो बुढ़िया हजरत जैनब के पास जाकर पूछती है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं जब बचपन में फातिमा के यहाँ खादिमा थी तो उनकी गोद में एक छोटी सी बेटी थी। बेटी, तुम्हारी शक्ल उससे मिल रही है, तुम सच सच बताओ कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। ये सुनकर आगे क्या होता है समाज फरमाइए। बताओ तो जरा ये क्या हुआ, तुम किसकी बेटी हो, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होता है तुम जब के रोती हो। कहा रो कर ये ज़ैनब ने वतन से अब जुदा हूं मैं, के हजरत फातिमा ज़हरा की अदना खादिमा हूं मैं। ज़ईफ़ा ने कहा मैं शहद लाई हूं इसे ले लो, अगर मंजूर कर लो तुम तो मेरा पार बेड़ा हो। लिए बैठी थी मैं दोपहर से सर अपने मौला का, हुसैन इब्ने अली से मिलता है बेटी तेरा चेहरा। मुझे तू सच बता बेटी, तू मेरी आकाजादी है, यकीन आता नहीं मुझसे हकीकत क्यों छुपाती है। कहा ज़ैनब ने तुम परदेश में ये शहद लाई हो, कबूल सुको मैं करती हूँ तुम्हें हासिल भलाई हो। मैं बेटी फातिमा की हूँ, चमन सब लुट गया मेरा, के भूखा और प्यासा करबला में कट गया कुनबा। ये सुनकर वो ज़ईफ़ा फिर सारे अक़दस उठा लाई, लिपट कर हजरत ज़ैनब से रोई और चिल्लाई। गिरी कदमों पे ज़ैनब के, वो सर था उसके सीने पर, लगाया नारा उसने या हुसैन इब्ने अली हैदर। वो अपनी जान लेकर आई थी ज़ैनब की खिदमत में, जुदा होकर तने अतहर से पहुंची रूह जन्नत में। ज़ईफ़ा ने जो देखा ज़ुल्म ये सहरा के लालों पर, अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर, अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर, अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर। ज़ईफ़ा ने जो देखा जुल्म ये ज़हरा के लालों पर, वो थी अल्लाह वाली जान दी अल्लाह वालों पर। ये रोने की आवाज सुनकर कूली जाग जाता है और फिर वहां आ जाता है जहां ये लोग आहोबुका कर रहे थे। उसके बाद ये सरे मुबारक फिर कहां जाता है समाप्त कीजिएगा हजरात। सदारों ने की सुनकर उस तरफ खूली चला आया, सारे अक़दस को छीना और फिर खेमे पे जा पहुंचा। वहीं एक पास में था गिरजा घर, राह बुनी के बांधा, इबादत वो किया करता था उसमें ना मुसलमान था। हुई जब रात तो लश्कर की जानिब वो चला आया, सारे अक़दस हुसैन इब्ने अली का एक जगह पाया।
कहा कूली से उसने रात भर को सर हमें दे दो, तुम्हें दीनार देंगे 10,000 इसमें ना शक समझो। वो था दौलत का भूखा दे दिया सर उसने राहब को, के लालच ने उसे अंधा किया भूला वो मजहब को। वो राहब ले गया गिरजा में सर सच्ची अकीदत से, बसाया इत्र की खुशबू में रो रो कर मोहब्बत से, रखा गिरजा में उसने वो सरे अकदस बुलंदी पर। मुकद्दर हो रहा था उसका नाजा होश मंदी पर, अदब से दस्त बस्ता देखता था वो खड़े होकर। जो गुजरी रात आधी तो नजर आया अजब मंजर, जब वो चर्च का पादरी हजरत इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को खुली से ले जाता है, तो जब आधी रात हुई तो उस पादरी ने क्या देखा उस चर्च के अंदर जो सरे मुबारक रखा हुआ था हजरत इमाम अली मकाम का, उससे एकदम रोशनी निकलती है, रोशनी से वो गिरजाघर की इमारत जगमगा उठती है, और आगे क्या होता है सुनिएगा। सारे अकदस से निकला नूर जिसकी रोशनी फैली, जिया से गिरजाघर की सब इमारत जगमगा उठी। कहा राहब ने ऐ इब्ने अली तुम अब भी जिंदा हो, नवासे हो मोहम्मद के खुदा के नेक बंदा हो। कबार है ना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके जग का, कबार है ना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके जग का, कबार है ना के मैं पढ़ता हूँ कलमा आपके जग का। ये कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा मोहम्मद का, ये कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा मोहम्मद का, ये कहकर पढ़ लिया उस शख्स ने कलमा मोहम्मद का। देखिए एक पादरी की अकीदत, जब वो देखता है कि सरे अकदस से नूर की किरणें निकल रही हैं और जिन किरणों से गिरजाघर की सारी इमारत जगमगा उठी है, तो वो गिरजाघर का पादरी राहब बेसाख्ता कहता है कि ऐ इब्ने अली तुम अब भी जिंदा हो और तुम मोहम्मद के नवासे खुदा के नेक बंदे हो, आप गवाह रहना मैं आपके जग का कलमा पढ़ता हूँ। और ये कहकर उस पादरी ने हुजूर सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाज फरमाइए। अकीदत से सरे अकदस का नजारा किया शब भर, किया शुक्रे खुदा के मिल गया ईमा तू फैले सर। सरे अकदस ने मेरी खूब तरिए रहनुमाई की, के मंजिल आज पाई मैंने दीने मुस्तफाई की। सहर को आया खूली तो सरे अकदस दिया उसको, दिरहम भी 10,000 उसको दिए तय कर दिए थे जो। गया कूली जो देखा रहा हमें ठिकरी बने दिरहम, हुआ ये देख कर कूली को हैरत और बेहद गम।
वो लश्कर शहर कूफा में हुआ दाखिल दिलेरी से। यजीदी सल्तनत के गूंजते थे शहर में नारे, मगर कुछ लोग अहले बैत को देखा बहुत रोए। कहा अहले मदीना करबला में जान से खोए, कहा ज़ैनब ने करके कत्ल सबको आज रोते हो। तुम ही मल्लाह बनते हो, तुम ही कश्ती डुबोते हो। तुम ही ने कत्ल के पहले बुलाया मेरे भाई को, किया फिर कत्ल सारे काफले को मेरे भाई को। अभी क्या जिंदगी भर रोगे आंसू बहाओगे, कयामत में खुदा के सामने क्या मुंह दिखाओगे। सरे शब्बीर लेकर फूली जिस दम रात में पहुंचा, वो सर फूली ने अपने घर में एक तंबूर में रखा। गया फूली मकाम में और फिर आराम से सोया, गया फूली मकाम में और फिर आराम से सोया, गया फूली मकाम में और फिर आराम से सोया। सरे अकदस से निकला नूर सुए आसमां पहुंचा, सरे अकदस नूर सुए आसमां पहुंचा, सरे अकदस से निकला नूर सुए आसमां पहुंचा। सर लेकर जब अपने घर में पहुंचता है तो रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं सुबह को इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाऊंगा और इनाम व इकराम पाऊंगा। लेकिन अब इधर खुली आपका सरे मुबारक अपने घर के एक तंबूर में रखकर आराम से सोता है, लेकिन रात को जब उसकी बीवी तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है तो वो क्या देखती है, समाज फरमाइए। तहज्जुद पढ़ने को फूली की बीवी जिस घड़ी उठी, गई जब सहन में तंबूर की वो रोशनी देखी। वो बोली के जलाया तो नहीं फिर रोशनी कैसी, गई तंबूर पर तो सर से निकली वो ज़िया देखी। नजर आई वहां फिर औरतें चार उसको नूरानी, उन्हें देखा तो एकदम हो गई बेहोश बेचारी। थी उनमें एक बीवी रो रही थी और कहती थी, कयामत में मैं अपने लाल का बदला चुका लूंगी। सदा ये गैब से आई परेशान तुम हो क्यों बीवी, सजा शौहर तुम्हारा पाएगा कातिल है जो खूली। ये सुनकर होश आया उठ के बैठी फिर गई अंदर, जगाया जाके शौहर को कहा लाया है किसका सर। तू कहता था कि एक बागी का सर मैं काट कर लाया, अरे जालिम वो सर है मुस्तफा के एक नवासे का। अभी हजरत खदीजा फातिमा जहरा थी मातम में, थी मरियम आसिया खातून दोनों गम के आलम में। अरे जालिम मैं तेरे घर में दम भर रह नहीं सकती,
मैं तेरे साथ अब कहरे इलाही सह नहीं सकती। कहा फूली ने बच्चों का तो दिल में ख्याल कुछ लाओ, मेरा बर्बाद हो जाएगा घर मत छोड़ कर जाओ। कहा उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, कहा उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का। तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया। कहा उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का, कहा उसने के तूने घर उजाड़ा है मोहम्मद का। तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया, तुझे कुछ फातिमा जहरा के बच्चों का ख्याल आया। की बीवी जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है और इमाम अली मकाम के सर से रोशनी निकलती हुई देखती है, वहां कुछ औरतें भी थीं, तो वो अपने शौहर को जगाकर पूछती है कि ऐ जालिम, तू तो कहता था कि मैं किसी बागी का सर काट कर लाया हूं, लेकिन ये तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक है। ऐ जालिम, अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। ये कहकर फूली की बीवी वहां से चली जाती है, लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। तेरा बर्बाद घर हो या तेरे बच्चे कहीं जाएं, बलाएं ऐसी आ जाएं कि तुझ जालिम को निबटाएं। ये कहकर ओढ़ी चादर और वो घर से निकल आई, वो फूली पीछे दौड़ाती खुशामद वो नहीं लौटी। निकल कर रात में बस्ती से बाहर वो कहाँ पहुंची, किसी को भी पता उसका न चल पाया बहुत ढूंढी। वो फूली सर उठा कर ले गया दरबार में घर से, गया इब्ने ज़ियाद सुदम था बैठा सामने उसके, वो कैदी औरतें बच्चे सभी सरकार के घर के, किए सब पेश उस दरबार में एकदम मैं सर के। हुआ खुश देख कर इब्ने ज़ियाद उस सर को रखवाया, छड़ी से छू के दहने पाक फिर मरदूद ये बोला कि इस मुंह से जो बैत करते तो ये हाल ना होता। कबीला करबला में आके यूं पामाल ना होता। सहाबी वहां मौजूद थे, गुस्सा उन्हें आया, कहा ओ बे अदब गुस्ताख, तूने कुछ नहीं जाना, तू जिस मुंह को छड़ी से छेड़ता है मैंने देखा है। नबी पाक ने अक्सर ये मुंह उल्फत से चूमा है। वो बोला तुम सहाबी हो नबी के छोड़ देता हूँ, तुम्हें मालूम है गुस्ताखती मैं जान लेता हूँ। वो बोले कर रसूले पाक का तू कुछ अदब करता, बोले कर
जब करता तो उनकी आलू को तू भूखा प्यासा कत्ल कब करता उनकी आलू को तू भूखा प्यासा कत्ल कब करता तो उनकी आलू को तू भूखा प्यासा कत्ल कब करता इमाम हुसैन का सरे मुबारक कूली ने जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया तो वो मर्दूद इब्ने ज़ियाद हजरत इमाम अली मकाम के होठों को छड़ी लगाकर कहता है कि अगर तुम बैत कर लेते तो करबला में इस तरीके से कबीला कुर्बान क्यों होता। लेकिन उस दरबार में हजरत ज़ैद बिन अरकम जो सहाबी रसूल थे मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि ऐ मर्दूद, तुझे मालूम नहीं जिस छड़ी से तू ये होंठ छू रहा है मैंने देखा है नबी पाक इस जगह बोसा लिया करते थे होंठों का और गले का। ये कहकर वो सहाबी रसूल उस दरबार से उठ जाते हैं और आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। ये कहकर उठ गए फौरन सहाबी ज़ैद बिन अरकम तुम्हें गारत करे ऐ कूफियों को काहिरे आजम हुआ कूफे से मुल्के शाम की जानिब रवा लश्कर गया फूली वो सर लेके सभी थी आले पैगंबर करीबे शहर मामूरा जो पहुंचा उमरू का लश्कर वहां का एक हाकिम था यहूदी सो रहा था घर नजर आए उसे जब ख्वाब में मूसा नबी मुज़्तर कहा उसने के ऐ आका परेशान आप हैं क्यों कर ये फरमाया कलीमुल्लाह ने करबल में गम टूटा सितमगारों ने बीबी फातिमा ज़हरा का घर लूटा यजीदी फौज ने हजरत मोहम्मद के नवासे को किया है कत्ल बेदर्दी से भूखे और प्यासों को सरे अक़दस सुबह तेरे शहर से उनका गुजरेगा हुसैन बुने अली की एक लौंडी पहुंचे तो कहना तुम्हारी जो भी खिदमत हो बजा लाऊंगा फरमाओ सरे अक़दस को फिर मेरा सलामे खास पहुंचाओ। यहूदी ने कहा हजरत मोहम्मद भी पैगंबर हैं तो फरमाया नबी मूसा ने वो हम सबसे बढ़कर हैं मोहम्मद मुस्तफा पर जो बशर ईमाना लाएगा न मानेगा उन्हें जो कोई वो दोज़ख में जाएगा जो है शब्बीर की आजाद करदा लौंडी शीरी है वो अपने आका की सुनकर शहादत आज गम की है। सुनो अब हाल अहले बैत का के गम में घेरा था अब हाल अहले बैत का के गम में घेरा था सुनो अब हाल अहले बैत का के गम ने घेरा था के गम की शाम से बढ़कर उन्हें हर एक सवेरा था गम की शाम से बढ़कर उन्हें हर एक सवेरा था के गम की शाम से बढ़कर उन्हें हर एक सवेरा था। Thank you.
हज़रत इमाम अली मकाम का सरे मुबारक जब शहरे मामूरा से गुजर रहा था तो वहाँ का जो हाकिम था वो एक यहूदी था। हज़रत मूसा कलीमुल्ला उस यहूदी को ख्वाब में बिशारत देते हैं कि यहाँ से हज़रत इमाम अली मकाम का सर गुजरेगा सुबह तेरे शहर से। जब वो सर यहाँ से गुजरे तो उनकी एक लौंडी जो शीरी नाम की है वो बहुत गमगीन है, वो यहाँ आएगी और जब वो सर यहाँ से गुजरे तो तू मेरा सलाम हज़रत इमाम अली मकाम के सर मुबारक से कहना। आगे क्या होता है सुनिएगा हज़रात। रुका जब काफिला उनका पहाड़ी के किनारे पर, तो शीरी ने कहा ज़ैनब से मेरे पास है जेवर, इजाजत दो के इसको बेच कर मैं कपड़े ले आऊं, तुम्हारे घर की लौंडी हूं मैं ये खिदमत बजा लाऊं। किया इनकार ज़ैनब ने तो रो रो कर कहा उसने, तुम्हें इस हाल में देखा रहा जाता नहीं मुझसे, तुम्हारे घर की हूँ मैं फातिमा आजाद करता हूँ, बड़े एहसान है आका के मुझ पर मैं हकीरा हूँ, मेरी छोटी सी खिदमत आप जो मकबूल फरमाए तो शायद इस वसीले से गुना सब मेरे धुल जाएं। मेरी तस्कीन की खातिर गुजारिश मान लो मेरी, मैं जेवर बेच कर कपड़े अभी ले आती हूँ बीबी। बहुत रोई वो मिन्नत की तो ज़ैनब ने कहा जाओ, तुम्हारी बात हमने मान ली रो ना घबराओ। ये सुनकर शीरी पहुंची शहर मामूरा के उस दर पर, जहां से लोग आते जाते थे उस शहर के अंदर, वहां देखा के दरवाजा नहीं खोला गया अब तक, उसी दरवाजे पे शीरी ने दी एक जोर से दस्तक। सदा आई के शीरी आ गया मैं खोलता हूँ दर, सुना जब नाम अपना एकदम शीरी हुई शशदर। यहाँ इस शहर में है कौन मेरा जानने वाला, बिना देखे मुझे आवाज से पहचानने वाला, बिना देखे मुझे आवाज से पहचानने वाला, बिना देखे मुझे आवाज से पहचानने वाला। जब शीरी शहर मामूरा के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा अभी बंद था, शहर में दाखिल नहीं हो सकती थी, उसने एक दस्तक दी तो अंदर से आवाज आती है कि मैं आ रहा हूं दरवाजा खोलने। शीरी शीरी जो इमाम अली मकाम की लौंडी थी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मेरी आवाज से मेरा नाम ये कैसे पहचान लिया, कौन है। जब वो यहूदी दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो उसने बताया कि रात मूसा कलीमुल्लाह ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। अजीज आया यहूदी खोल कर दरवाजा जब बाहर,
कहा शीरी ने मुझको जानते हो तुम भला क्यों कर। यहूदी ने सुनाया ख्वाब का सब माजरा अपना, तुम्हारे पास मुझको हजरत मूसा ने है भेजा। बहुत सामान और कपड़े दिए शीरी को समझा कर, खुदाया साथ में उस जा जहां शब्बीर का था सर। वो बातें ख्वाब की कहकर कहा ज़ैनब से ये सामा, ये लाए हैं इन्हें मूसा पैगंबर ने दिया फरमा। यहूदी जब सरे शब्बीर की ज़ियारत को पास आया, सलाम उसने जनाबे मूसा पैगंबर का पहुंचाया। सलामे मूसा का फौरन जवाब उस सर से था आया, ये सर का देख कर रुतबा यहूदी पर असर छाया। नजर आया सरे शब्बीर में जलवा मोहम्मद का, यहूदी ने खुशी से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। करामाते सरे अकदस ने हिम्मत दी बंधा सबको, तसल्ली हो गई फिर शहरबानों और ज़ैनब को। यहूदी हो गया मोमिन मुबारकबाद दी सबने, तो नजराना भी उसका कर लिया मंजूर ज़ैनब ने। सभी को कपड़े थे कुछ और भी खाने का सामान था, वहां अल्लाह ने भेजा जहां सूना बयाबा था। जरा देखे तो कोई मर्तबा सिवते पयंबर का, देखे तो कोई मर्तबा सिवते पयंबर का, जरा देखे तो कोई मर्तबा सिवते पयंबर का, जनाबे हजरत मूसा पयंबर का सलाम आया। जनाबे हजरत मूसा पयंबर का सलाम आया, जनाबे हजरत मूसा पयंबर का सलाम आया। देखे तो कोई मर्तबा सिफ्ते पैगंबर का, जनाबे हजरत मूसा पैगंबर का सलाम आया। हजरात इस वक्त आप शीरी का वाकया सुन रहे हैं। ये शीरी कौन थी? हजरत इमाम हुसैन की बीवी शहर बानो, जो शहनशाह ईरान की दुख्तर थी। जब शादी होकर आई थी तो ये शीरी उनके साथ लौंडी बनकर आई थी, लेकिन हजरत इमाम आली मकाम ने शीरी को आज़ाद कर दिया था। जब इसने शहादत की खबर सुनी थी इमाम आली मकाम की, तभी से ये बेचैन हो गई थी। आगे इस बंद में आप शीरी का कुछ और वाकया समाप्त फरमाइएगा। सुनो शीरी हुसैन बुने अली की एक कनीज़क थी, शहे ईरान की बेटी के वो हमराह आई थी। शहे ईरान की दुख्तर थी जो के शहर बानों थी, हुसैन बुने अली के अक्द में किस्मत से आई थी। हुसैन बुने अली ने शीरी को आजाद फरमाया, शहादत हो गई उनकी तो शीरी को मला लाया। अजीज़े शहर मोमिन हो गया फरमाया आबिद ने, अजीज़े शहर से शीरी का इस दम अक्द हो जाए। कहा शीरी ने मैं सबसे जुदा होना ना चाहूंगी, नबी की आल जैसे लोग
दुनिया में ना पाऊंगी। मेरी चाहत है ये आका, तमन्ना है यही मेरी, मैं इस घर के किसी बच्चे का भी फरमाना टालूंगी। उसे जब शहरबानों ने किया मजबूर तो मानी, हुआ फिर अक्द दोनों का, करामत ये भी थी सर की। वो यहूदी जो मुसलमान हो गया था, सबके कहने से शीरी का निकाह उस यहूदी के साथ होता है, उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा जनाब। अजीजे शहर के हमराह जब रुखसत हुई उसकी, तो शीरी सबसे मिल मिल के बहुत रोती थी बेचारी। गई शीरी उधर को काफले ने कूच फरमाया, जुदा शीरी हुई तो रंज से दिल सबका भर आया। सारे अकदस लिए जाता था खूली अपने नेजे पर, समझता था ये अपना कारनामा फौज से बढ़कर। सारे शब्बीर रस्ते में जहां भी रखा जाता था, सारे शब्बीर रस्ते में जहां भी रखा जाता था, सारे शब्बीर रस्ते में जहां भी रखा जाता था। करामत का वहां एक वाकया भी पेश आता था, करामत का वहां एक वाकया भी पेश आता था, करामत का वहां एक वाकया भी पेश आता था। जब हजरत इमाम अली मकाम का सरे मुबारक शहर बुहरान पहुंचता है, तो वहां याहिया नाम का एक यहूदी सर को देखकर कूली से क्या कहता है समाप्त कीजिएगा। चला जाता था लश्कर दूसरी जानिब दिलेरी से, थकावट दूर करने को ठहरता सबकी मर्जी से। ये लश्कर चलते चलते जिस घड़ी बुहरान जा पहुंचा, था यहिया नाम का उस जा यहूदी, उसने सर देखा। कहा उसने ये खूली से, ये सर किसका है नेजे पर, बताया उसको खूली ने हुसैन इब्ने अली का सर। कहा यहिया ने तुम कैसे मुसलमान हो नहीं गैरत, के अपने ही नबी की आल पर ये जुल्म की शिद्दत। ये सुनकर खूली का एक आदमी तलवार चमका कर, बढ़ा आगे किया एक जोर से हमला यहूदी पर। यहूदी ने बचा कर वार उसकी काट दी गर्दन। ये हालत देख कर यहिया पे दौड़े एकदम दुश्मन, यहूदी बोला तुमने आले पैगंबर का सर काटा, तुम्हें इस जुल्म का बदला दिए हरगिज ना मानूंगा। लड़ाई छिड़ गई यहिया ने जौहर अपने दिखलाए, यजीदी चार फौजी उसने अपनी तेग से मारे। हजारों में घिरा तन्हा शहादत पाई उसने भी, गए मारे यजीदी पांच और काफी हुए जख्मी। मजार उस जा बना यहिया का सब जाने लगे उस पर, शहीद आया लगे कहने दिया आका पे उसने सर। खुदा जाने के उसकी होगी बख्शिश या नहीं होगी,
वहाँ जो मांगता है जाके मन्नत होती है पूरी। मोहम्मद के नवासे पर कटाया उसने सर अपना, मोहम्मद के नवासे पर कटाया उसने सर अपना, मोहम्मद के नवासे पर कटाया उसने सर अपना। खुदा ने दे दिया रुतबा उसे सब कहते हैं अच्छा, खुदा ने दे दिया रुतबा उसे सब कहते हैं अच्छा, खुदा ने दे दिया रुतबा उसे सब कहते हैं अच्छा। शहादत वॉल्यूम 5 का आखिरी बंद आप हजरत की नजर कर रहा हूं, जिस कैसेट में आपने हजरत इमाम आली मकाम के सरे मुबारक की करामाते देखी और एक मोमिना औरत और शीरी का वाकया सुना। आखिर में ये सरे मुबारक कहा जाता है आखिरी बंद में, जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं सुनिए। वो लश्कर बढ़ गया आगे तो मोसल शहर तक पहुंचा, उसे उस शहर में घुसने से अहले शहर ने रोका, कहा आले नबी के कातिलों के हम ना देखेंगे, कहीं बाहर रुके हम शहर में आने नहीं देंगे। रुका लश्कर वो बाहर शहर से ऊंची पहाड़ी पर, वहां फूली ने एक पत्थर के ऊपर रख दिया वो सर, वो पत्थर रात भर में खून में डूबा हुआ पाया, वहां सब लोग ज़ियारत के लिए पहुंचे लगा मेला, वहां फिर एक मुद्दत तक जियारत गा रहा पत्थर, वहां सब लोग आकर फातहा पढ़ते थे रो रो कर। हुआ अब्दुल मलिक जब बादशाह मरवान का बेटा, तो उस पत्थर को उठवा कर कहीं उसने छुपा डाला, वही मरवान जिसने उम्र भर फितने उठाए थे, इसी जालिम की शह पर कूफियों ने जुल्म ढाए थे। यजीदी मिट गए नामो निशान उनका नहीं बाकी, मगर आले नबी ने सर कटा कर जिंदगी पाली, हुसैन इब्ने अली का दो जहां में नाम जिंदा है, वो खुद जिंदा है उनके नाम से इस्लाम जिंदा है। बराए इम्तहा कुर्बा हुआ कुर्बा मोहम्मद का, बराए इम्तहा कुर्बा हुआ कुर्बा मोहम्मद का, बराए इम्तहा कुर्बा हुआ कुर्बा मोहम्मद का। जहां में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहां में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहां में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का। बराए इम्तहा कुर्बा हुआ कुर्बा मोहम्मद का, बराए इम्तहा कुर्बा हुआ कुर्बा मोहम्मद का, बराए इम्तहा कुर्बा हुआ कुर्बा मोहम्मद का। जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहाँ में शौक हर सू बजता है डंका मोहम्मद का, जहां में शौक हर सू बजता है।
ठिकाना।